पुनवाल साहब हैं, आप मिनिस्टर लघु उद्यान एवं खाद्य ग्राम उद्योग उत्तरांचल से हैं। पुनवाल साहब, सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहूंगा, आपने बहुमूल्य समय हमारे इस प्रोग्राम के लिए दिया। पुनवाल साहब, आपने अपना राजनीतिक जीवन कब और कैसे शुरू किया? हमने 1966 में अपना राजनीतिक जीवन जो है समाज सुधार के कामों में लाकर के प्रारंभ किया। अलवर जनपद में उसका एक बहुत पिछड़ा विकास खंड था, लमगड़ा विकास खंड, जहां पर हमने एक एनजीओ का निर्माण करके उसके द्वारा लोगों को रोजगार देने के काम प्रारंभ किए। और जो उस क्षेत्र में पिछड़ापन था उसको किया, और जो सरकार के माध्यम से विकास की योजनाएं रुकी थी उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और उसको मद्देनजर रखते ही फिर वहां के लोगों ने हमें उस विकास खंड का ब्लॉक प्रमुख बनाया। और उसके बाद जो है फिर हमने 1993 में विधायक का चुनाव लड़ा, तो वहां से मुझे सफलता मिली। और उसके बाद फिर आज भी उत्तरांचल में पहली सरकार राज्य बनने के बाद निर्वाचित सरकार बनी, तो उसमें भी मैं विधायक के रूप में चला गया। पुनवाल साहब, क्या राजनीति के बिना समाज सेवा नहीं की जा सकती? क्या समाज सेवा करने के लिए राजनीति में आना जरूरी है? नहीं, समाज सेवा की जा सकती है, लेकिन वर्तमान समय में जो लोगों की महत्वाकांक्षा और जो इच्छा, जो उनके समस्याएं होती है, उनके निदान करने के लिए निश्चित रूप से सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। और हमने सामाजिक जीवन में ये अनुभव किया कि जब हम लोगों की समस्याओं को लेकर सरकार के प्रतिनिधियों के पास, अधिकारियों के पास जाते थे, तो उसमें तमाम कठिनाइयां उत्पन्न होती थी। तो उन कठिनाई को देखकर ही हमने सोचा कि अगर हम राजनीति में जाकर के उस स्थान पर हम भी चले जाएं, तो उससे हो सकता है उस क्षेत्र के जो लोग हैं उनका समस्याओं का समाधान हम जल्दी कर सके। पुनवाल साहब, आप 1966 से लेकर 2006 तक अब तक बरकरार राजनीति में, क्या आप अपने वर्तमान राजनीति जीवन से संतुष्ट हैं? देखिए, आज प्रारंभिक दिनों से या पिछले 10-15 सालों की जो राजनीति थी उसमें आज बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। और प्रारंभिक दौर में इस तरह की राजनीति नहीं थी जो गंदगी आज राजनीति पर प्रारंभ हो गई है, और उसको देख करके मुझे लगता है कि निश्चित रूप से राजनीति में सुधार आना चाहिए। पुनवाल साहब, आप इस समय उद्यान ग्रामीण और सारा खादी ग्राम उद्योग सारा देख रहे हैं, लघु उद्योग भी देख रहे हैं, खासतौर से लघु उद्योग में आजकल आप क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, हम हमारे विशेष रूप से लघु उद्योग के माध्यम से एक तो हम जो है बैंकों से जो उद्यमी होते हैं, जो स्वतः रोजगार करना चाहते हैं, उनको ऋण दिला करके भारत सरकार और हमारे प्रदेश की जो सब्सिडी देने की योजनाएं हैं उनका लाभ उद्यम पहुंचाते हैं, और उसका अच्छा प्रभाव उत्तरांचल में पड़ रहा है। और इन 4.5 सालों में सैकड़ों हजारों नए जो उद्यमी हैं उन्होंने अपने छोटे छोटे उद्योग लगाए हैं, और उसके माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पुनवाल साहब, एक उद्यमी के लिए करीब कितना लोन मिल जाता है? देखिए, लघु उद्योगों में लोन की सीमा आपके जो उसका उद्योग लगाने वाला प्रोजेक्ट होगा उस पर निर्भर करता है कि वो छोटा है कि बड़ा है। और करीब 2 करोड़ तक के जो प्रोजेक्ट लगते हैं वो भी आपके लघु उद्योग की सीमा में आते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो छोटे उद्यमी होते हैं जो स्वरोजगार करना चाहते हैं उनके लिए प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऋण दिला करके, और आपके खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से जो मार्जिन मनी योजना है उसके अंतर्गत ऋण दिला करके, जिसमें हम 25 लाख तक का ऋण एक इकाई के लिए देते हैं और उसमें 30% की सब्सिडी उन लोगों को मुहैया कराते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना हमने अपने क्षेत्र के बेरोजगार लोगों के लिए चलाई है उस प्रदेश में, मैं समझता हूँ ये योजना हमारे पूरे देश में पहली बार उत्तरांचल में चली है। वो है 4% ब्याज पर उद्यमियों को ऋण देने की योजना हमने चलाई है खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के माध्यम से। तो उसमें
जो उद्यमी 2 लाख तक के कोई छोटी इकाई लगाएगा कुटीर उद्योग की, तो उसको बैंक जितने ब्याज पर भी ऋण देगा तो उस 4% ब्याज उस उद्यमी को देना पड़ेगा, वहां की ब्याज जो है हमारी सरकार उसको ग्रहण करती है। तो इस तरह की एक योजना है। और आज खादी ग्राम उद्योग आयोग भारत सरकार जो है केवल खादी के काम के लिए 4% ब्याज पर ऋण दे रही है, कुटीर उद्योग और उद्योगों के लिए 4% ब्याज पर ऋण नहीं दे रही है। तो ये केवल छोटे उद्यमों के लिए उत्तरांचल में ही एक योजना शुरू की गई है, तो उसका भी एक बहुत अच्छा प्रभाव उत्तरांचल के अंदर पड़ा है और कई छोटे छोटे उद्योग वहां पर इस तरह के लगे हैं और अपना काम शुरू करने के बाद बाद में फिर उसको बैंकों से ऋण लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। पुष्पाल साहब, जब एक नजर हम उत्तरांचल पे डालते हैं तो वो काफी हरा भरा है, आप उद्यान भी देख रहे हैं, तो ऐसे में और कितना हरा भरा आप उत्तरांचल के लिए कर रहे हैं? इस मैं समझता हूँ कि उत्तरांचल के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सबसे बड़ी भूमिका अगर कोई विभाग अदा करेगा, कारगर सिद्ध होगा, तो उद्यान होगा। और आज उसकी बहुत बड़ी मांग भी है और बहुत उसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है, तो उस दृष्टि से हमारी सरकार ने भी उत्तरांचल में जो है इसको बहुत महत्व दिया है। और हम किसानों को बागमिशन के तहत 50% अनुदान पर सारी, चाहे उस क्षेत्र विस्तार का हो, चाहे पुराने बागों का जीर्णोद्धार का हो, और चाहे कहीं पर टैंक बनाने का, सिंचाई का हो, चाहे उनको और उपकरण देने की बात है, तो ये सारी सुविधाएं उनको 50% सब्सिडी पर दी जा रही है। और पॉली हाउस लगाने के लिए, ग्रीन हाउस लगाने के लिए, ये तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। और इन 4.5 सालों में इस क्षेत्र में बहुत बड़ा विस्तार हुआ है और आज उत्तरांचल से करोड़ों रुपये का फूलों का निर्यात हो रहा है, आपका सब्जी आपके देश के दूसरे शहरों में जा रही है, और यहां तक कि अब यूरोपियन कंट्रियों में या आपके अर्बन कंट्रियों में यूरोपियन सब्जी भी जो है निर्यात होने लगी है हमारे उत्तरांचल से, और फूल भी बाहर जा रहे हैं। तो हमने अभी लीची एक्सपोर्ट यहां से हो रही है, तो ये सारी चीजों लगा करके उसका एक बहुत बड़ा लाभ वहां के लोगों को मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि बागवानी उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण विभाग है और हमारा ये लक्ष्य है कि आने वाले 2010 तक जो है वो हमारा उत्तरांचल जो है आपके हिमाचल प्रदेश से भी बागवानी के क्षेत्र में आगे निकलेगा। और आज वैसे हम देखें, समीक्षा करें, तो फूलों की खेती में, सब्जी की खेती में और जड़ी बूटी की खेती में हमारा प्रदेश हिमाचल से आगे है। केवल बागवानी, वो भी हम सेब के मामले में हिमाचल से पीछे हैं, बाकी क्षेत्रों में हम सरकार से ज्यादा आगे बढ़े हैं इन 4 सालों के अंतराल में, और आगे और तरक्की होगी। जब हम लघु उद्योग की बात करते हैं तो कुछ खामियां नजर अपने आप आती हैं, जैसे कि बैंक से लोन दिलाना 2 करोड़ तक का आपका जो है लघु उद्योग में आता है, और ऐसे में जो बैंक के जो जीएम्स होते हैं वो लोन सेंक्शन कराने के मार्फत में एक अच्छा खासा कमीशन लेते हैं, तो ऐसे में गोविंद सिंह पुंजवाल साहब आप कितने सतर्क हैं? नहीं, देखिए हमारे यहाँ बैंकों के साथ बहुत अच्छा तालमेल है और माननीय मुख्यमंत्री जी हमें बैंकों के साथ मीटिंग करते हैं और ऋण जमा अनुपात पर बहुत ज्यादा दबाव जोर दिया जाता है। जिस समय हमने राज्य संभाला था तो उस समय हमारे यहाँ का ऋण जमा अनुपात जो था वो 22% था और आज 43% हम उसको ले गए हैं। और हमारा और ये इच्छा है कि वो कम से कम 60% तक उस प्रदेश में पहुंचे। तो जब हम सारी उसमें मॉनिटरिंग करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर इस तरह की असुविधा हमारे ऋण लेने वालों को हो रही हो। कहीं पर अगर कोई ऐसा करता है, कोई हमारे संज्ञान में आता है, तो उसको हम दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं। पुष्पाल साहब, खासतौर से जो गरीब तबका है, जिनके लिए उद्यान है, लघु उद्योग है, खादी ग्रामोद्योग, करीब 1 साल में कितने लोग होंगे जो लाभान्वित हो पाते हैं? ये अलग अलग जो हमारे क्षेत्र है, अलग अलग जो हमारे ऋण देने की, सब्सिडी देने की मदें हैं, उनमें करीब करीब हम 3-4 हजार, जैसे मार्जिन मनी योजना है, तो मार्जिन मनी योजना के अंतर्गत हम उनसे 5 हजार लोगों को साल भर में मुहैया कराते हैं पूरे प्रदेश के अंदर। और जो ब्याज उपादान योजना है उसमें पूरे प्रदेश में 10 हजार छोटे उद्यमों को मिलता है।
और जो और ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना है तो इसके तहत लगा करके लगभग 30,000 से 40,000 लोग प्रतिवर्ष हमारे इस उत्तरांचल में जो है छोटे मोटे उद्योग को लगा करके अपना काम कर रहे हैं। पंचमल साहब, खासतौर से खामी देखी जाती है कि जो जो चीज जो आपको राज्य सरकार केंद्र सरकार से पारित होती है राशि, वो खासतौर से जिन चीजों में लगना चाहिए वो उस जगह नहीं लग पाती है, लग पाती तो कम लग पाती है और वो बीच में कहीं बट जाती है, खप जाती है। तो ऐसे में पुंजवाल साहब, आपकी अपनी सोच क्या है? देखिए, आज समाज में जो कमियां हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन उन कमियों को हम किस तरह से कुछ कम कर सकते हैं वो हमारा प्रयास होना चाहिए और वही हम प्रयास करते हैं। इस प्रयास के तहत जो है ताकि जो व्यवस्था है मुझे लगता है कि बहुत कम हमारे सामने आती है। पंचमल साहब, आपकी भविष्य की योजनाएं खासतौर से उत्तरांचल वासियों के लिए क्या क्या है? लेकिन हमारी खास योजना, हमारी एक इच्छा ये है कि हमारे उत्तरांचल वासी जो है वो स्वरोजगार की दृष्टि से और विशेष रूप से जो भूमि हमारे उत्तरांचल में है उस भूमि का वैज्ञानिक ढंग से और आज के परिप्रेक्ष्य में व्यावसायिक खेती करके वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। और मेरा ये निश्चित रूप से मानना है कि अगर हमारे उत्तरांचलवासी सारे उस काम में लग गए तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश जो है आर्थिक तरीके के रूप में देश के सभी राज्यों से अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित होगा, ये मेरा मानना है। पंचमल साहब, आने वाले समय में आप अपने आप को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं? नहीं, हम सेवा करने वाले लोग हैं और हमारा हमेशा से जनता की सेवा करने में विश्वास रहा है और हम भविष्य में भी जनता की सेवा करते हैं। पंचमल साहब, आप उत्तरांचल वासियों के लिए कौन सा शुभ संदेश देना चाहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन बातों से लाभान्वित हो सके, उनसे फायदा ले सके और एक अपना एक मुकाम बना सके? देखिए, आज के इस विकास के दौर में, आर्थिक विकास के दौर में, मैं अपने उत्तरांचल वासियों से कहना चाहूंगा कि हमको भी उसमें शामिल होना है, आगे बढ़ना है और इसलिए हमको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों का हम सही ढंग से उपयोग कर सकें और आधुनिक ढंग से उपयोग कर सकें, वैज्ञानिक ढंग से उपयोग कर सकें ताकि हम उस दुनिया की विकास की दौड़ में, आर्थिक विकास की दौड़ में अपने को शामिल कर सकें। ये मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं। अभी आपने ग्रेट पर्सनैलिटी गोविंद सिंह पुंजवाल साहब को सुना, देखा। खासतौर से मैं उत्तरांचल वासियों के लिए कहना चाहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा सारी योजनाओं से लाभान्वित हो सके। पुंजवाल साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे इस प्रोग्राम के लिए दिया, साक्षरता ब्यूरो के लिए दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू ममता शर्मा एंड रवि सिंह एंड ऑल्सो विद यू। थैंक्स।